नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय चैनल माय नॉलेज में। लेके आ गया हूँ आप सबकी हेल्प के लिए एक नई वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि आप अपने यूएन नंबर के स्टेटस को कैसे जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपना यूएन नंबर का स्टेटस जानना चाहते हैं कि वो एक्टिवेट है या नहीं है, या आप अपना यूएन नंबर जानना चाहते हैं, इन दोनों सिनेरियो के लिए एक ही वीडियो है आपके लिए। वो आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वो यूएन नंबर का स्टेटस और यूएन नंबर कैसे जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। स्वागत है दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एड्रेस बार में डालना है epfindia.gov.in। उसके बाद आपने कर देना है एंटर। एंटर करते ही आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने डायरेक्ट चले जाना है ऑफिस सर्विसेज में। ऑफिस सर्विसेज में जाने के बाद फॉर एम्प्लॉयज़ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पे नीचे सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज पे आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है। सॉरी दोस्तों, ये देखिए आपके पास ये विंडो ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने राइट साइड में जहाँ पे आप यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, उसके नीचे आपने जाना था इंपॉर्टेंट लिंक्स के ऊपर। उसमें आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा नो योर यूएन स्टेटस, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप इस विंडो में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो विंडो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने यूएन नंबर को एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे, उसमें सेम ऐसी विंडो ओपन हुई थी, वैसी विंडो आपके सामने फिर से ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें करना क्या, देखिए आप अपने यूएन नंबर के स्टेटस को तीन तरीक़ों से जान सकते हैं। या तो आपके पास पीएफ नंबर है, मेंबर आईडी है तो उसके थ्रू भी, या आपके पास आधार कार्ड है उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं, या आपके पास पैन कार्ड है उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं। बाकी जो ये स्टार लगे हुए हैं रेड वाले, ये तो मैंडेट है अपने, चाहे आप पीएफ नंबर से केस से आप जाना चाहते हैं, आधार कार्ड से जाना चाहते हैं, पैन कार्ड से जाना चाहते हैं, ये चीज़ तो आपको फिल करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, मैं आप पैन कार्ड से अपना यूएन नंबर का स्टेटस जानना चाहता हूँ और अपना यूएन नंबर भी जानना चाहता हूँ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो आपने यहाँ पे पैन कार्ड अपना एंटर कर देना। मेरा पैन कार्ड है, ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे कैप्स में एंटर कर लीजिए तो बेटर रहेगा। ये देखिए, सेकंड अपना नेम एंटर कर देना अपना, डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना अपना मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी पे ये रेड कलर का स्टार नहीं है तो ये आप ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं यहाँ, या चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। सीधा जी आप इस पे जो ऊपर जो अल्फाबेट से सेम आपने नीचे टाइप कर देना है। ये देखिए सारा फिल कर दिया। गेट ऑथराइजेशन पिन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप इस विंडो पे आ जाएंगे। देखिए नो योर यूएन
नीचे आपका नाम जो आपने पीछे डिटेल फिल करी है वही है, यहाँ से कंफर्म कर रहा है। नाम सही है आपका? हाँ मेरा सही है। एड्रेस, ये आपका डेट ऑफ बर्थ? हाँ सही है। मोबाइल नंबर? ठीक है। आई एग्री करना है आपने। जैसे ही आप इस विंडो से पहले, जैसे ही आप वहाँ पे करते हैं ना गेट, जैसे आप उस विंडो पे जो बैक साइड का जो विंडो था उस पे जैसे ही आप नेक्स्ट विंडो पे आते हैं, वैसे ही साथ के साथ आपको एक मैसेज आ जाता है। उसमें आपका OTP ID होता है जो सेम ऐसा ही होगा, यही होगा 9275, जो यहाँ होगा वही आपके पास होगा। मेरे पास यहाँ है तो मेरे को यही आया होगा। और नीचे साथ में आपका OTP होगा, तो वो OTP आपने यहाँ डालना है। मैं चेक कर लेता हूँ, ये आ चुका है। मैं एंटर कर देता हूँ इस पर OTP अपना, ये मैंने कर दिया। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड गेट UAN, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है योर UAN एंड UAN स्टेटस सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मैंने बताया था आपको अगर आप अपना UAN नंबर जानना चाहते हैं, UAN नंबर नहीं है आपके पास वो भी जानना चाहते हैं, तो सेम प्रोसीजर है। अगर आप UAN नंबर का स्टेटस जानना चाहते हैं वो एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, तो सेम प्रोसीजर है। आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर, ये जो सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका स्टेटस और UAN नंबर सेंड कर दिया गया है। मैं चेक कर लेता हूँ मेरे को आया है नहीं। मेरे को मिल गया है, मेरा UAN नंबर भी मिल गया है और जो स्टेटस है वो एक्टिव शो कर रहा है, तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। देखा दोस्तों कितना इजी था। आप अपना UAN नंबर अगर भूल गए हैं तो वो भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन, और अपना UAN नंबर का स्टेटस वो एक्टिव है या नहीं है वो भी आप कितने इजी तरीके से ऑनलाइन अपने घर बैठे ही चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। माई चैनल माई नॉलेज है मेरे चैनल का नाम, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।